सर भी छूट गया है, मेरा प्यार भी उजड़ गया है। नमस्कार, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे और आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस, अभी आपको मैं जो दिखाऊंगी, आपके सच में रूह और क्या कहते हैं दिमाग दोनों चीज़ हिल जाएगी और इस बंदे पे इतनी गुस्सा आएगी ना कि आप हम सब मिलकर इस बंदे की जिंदगी झंड कर देंगे। देखो कि हमरे साथ वीडियो को देखना, उसके लिए तैयार है तो बोलिए हम करेंगे। अब बताइए, जो संभव होने वाला नहीं है बात, वो आप बोलिएगा तो कभी हो। मतलब इसको दो कोड़ी की शरम नहीं है, इसको इतना सा समझ में नहीं आया। तेरी तो ये जिस औरत के बारे में बोल रहा है वो एक लड़की है भाई। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल भी क्या? तू बिल्कुल तमीज भूल चुका है। और तू क्या कहता, तू इतनी गंद घटिया बात और इतनी गंदी बात तू दुनिया के सामने मीडिया के सामने बोल रहा है? मीडिया पागल हो गई है क्या पूरी तरह से? दोस्तों एक देखो, बोला जाता है तरीके से, और ये किस तरह से तरीके से बोल रहा है। वैसे तो आप लोग क्या कहते हैं, बहुत क्या कहता है, हमको गंदी कमेंट कर दोगे, हमको घटिया बोल दोगे या आरती को घटिया बोल दोगे। एक बात बताओ, क्या गलती करी है उसने? मुझे कोई बताएगा जरा? गलत के साथ अगर गलत हो रहा है तो क्या गलती करी है? अगर वो अपने माँ बाप को जाए, बाप को जेल भिजवाइए, तो एक बताओ हत्यारों को जेल नहीं होनी चाहिए थी? समझ से बाहर है आप लोग भी। मुझसे क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लोगों पे कि इतनी घटिया की गिना रही है और दूसरा इंसान क्या कर रहा है देखो। और इतना मतलब कि इस हद पार कर दी इस शख्स ने, नितने से याद नहीं आ रहा है वो बोल कहाँ रहा है। उसको ये समझ, उसको मीडिया देख रही होगी या मीडिया कर्मी देख रहे होंगे, खुद आरती देख रही होगी तो क्या कहेगी वो? इंसानियत नाम से भी भरोसा उठ जाएगा उसका। ऐसे लोगों का अगर शर्म नहीं आती भाई, नहीं आएगी। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले हम जैसे लोग हैं। अगर हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं ये करते जाएंगे ना, बाद क्या कहते हैं ऊपर पहुंचाते जाएंगे तो वो ऐसी ही बातें बोलेंगे। अच्छी बात तो बोल ही नहीं सकता है ना, खुद उसने अच्छा देखा ही नहीं होगा, खुद घटिया होगा। आरती को लेकर कितने लोग गुस्सा हैं ये तो हम सब भी जानते हैं, पर गुस्सा होना उनका जायज़ है या ना जायज़ है ये मुझे नहीं पता। पर सच बात कहूँ, इंसानियत नाम की भी एक चीज़ होती है इस वर्ल्ड में भी, इस दुनिया में भी। और ये शख्स तो बिल्कुल ही इंसानियत को भूल गया, उसको इतनी घटिया गंदी गाली से मतलब उसको उसकी इज्जत को भी ताड़ ताड़ कर रहा है। इस भैया के घर में सच में यार, मजाक नहीं कह रही हूँ, माइंड इज तुम्हें सच बता रही हूँ, इसके घर में माँ बहन नहीं होगी ना इसके घर में कोई औरत है। ये सिर्फ अकेला आदमी जना था और कुछ लोग इसको बोल रहे हैं भैया तुम सही बोल रहे हो। सही क्या बोल रहे हैं जरा मुझे बताए कोई? अरे भाई, जो बीत गया उसको क्या कहता, तुम दोहरा दोहरा के दुनिया को दिखा रहे हो, मतलब इतनी घटिया उसको बना रहे हो। इस तरह घटिया बनाने से क्या तुम अच्छे हो जाओगे? क्या तुम्हारा चरित्र कभी गंदा नहीं होगा? क्या तुम्हारे घर में कभी औरत नहीं आएगी? भगवान जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है, ये तो मैंने देखा था। पर तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो गाइस प्लीज़, रिक्वेस्ट आप सबको यही है कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि घटिया लोगों की सोच घटिया ही रहती है। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टॉप। आखिर कुछ ही बात का बुरा लगा हो तो सॉरी टू से, बस यही कहना चाहती थी आपसे आज मैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाया। और मुझे ना सच बताऊँ, ऐसे लोगों पे, ऐसे घटिया लोगों पे बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। इंसान तो छोड़, तूने तो एक औरत की इज्जत नहीं करी। सॉरी गाइस, आपको बुरा लगा हो तो वीडियो करते हैं स्टॉप। इतना ही कहना चाहूँगी, अच्छे ना लगना, अच्छा लगना, जो अच्छे होंगे उनको अच्छी लगेगी, जो बुरे होंगे ना उनको ये बात अच्छी लगेगी। कितने लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, आज मुझे ये पता लग जाएगा। गाइस बाय बाय, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का।